स्काइट बीच दुबई। ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट इफ यू आर इन दुबई, स्काइट बीच। स्काइट बीच के तो नज़ारे ही देखने लायक है, इतना खूबसूरत बीच है यहाँ पे। देखिए, आपको याद होगा मैंने आपको लामेर बीच घुमाया, आपको मैंने AIN दुबई जो है ब्लू वाटर्स वो घुमाया, अल सीफ घुमाया। मैंने बोला कि आप आए हो दुबई तो एक बार काइट बीच के नज़ारे भी तो देख के आओ। मैंने कहा कि यहाँ पे काइट रुकती है क्या? उन्होंने, काइट बीच का नाम है क्योंकि वो ऐसी प्राइम लोकेशन पे है कि वहाँ से आपको पूरा बुर्ज अल अरब भी दिखेगा, आपको वहाँ से एन दुबई भी दिखेगा, दूर आपको वहाँ से बुर्ज खलीफा भी दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो देखिए इसका व्यू, देखिए क्या खूबसूरत जगह है, क्या लाइट्स हैं, क्या नज़ारे हैं, क्या रेड ट्रैक बनाया पूरा। इसमें लोग वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और फॉरेनर्स तो हर जगह अपना एंजॉय करते हैं स्विमिंग का। हम वहाँ बुर्ज अल अरब से निकले, वहाँ से आते हुए काफ़ी लेट हो गया, 7:30 हो गया। तो बहुत कोई खास मतलब दिन की लाइट तो नहीं दिखी मुझे, शाम का जो एक्चुअल रौनक होती है बीच की वो तो नहीं दिखा, लेकिन रात के नज़ारे जरूर दिखे मुझे। ये देखिए जगह जगह फूड कियोस्क हैं, बड़े बड़े ट्रक्स लगाए, फूड ट्रक्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। ये तो लामेर बीच पे ही बहुत सारे खूबसूरत था, उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये इसकी अलग ही नज़ारे हैं। दुबई में बहुत हर जगह हर बीच का अपना अलग ही एक देखने का अलग ही एक नज़ारा आप देखेंगे तो आपको एम्बियंस अलग मिलेगा। ये देखिए, पर इस बीच में मुझे फॉरेनर्स बहुत दिखे, बहुत ही वेल प्लान और वेल लिट बीच है। रात के टाइम पे आगे तक गया देखने कि एक्चुअल क्या दिख रहा है, यहाँ पे व्यू तो दिखे। वो दूर जो पर्पल सी आपको बिल्डिंग दिख रही है वो बड़ी सी, वो बुर्ज अल अरब है, 7-star होटल इंडिया का, सॉरी ये दुबई का, ये उसकी आपको लाइटिंग दिखेगी। वो दूर आप अगर दिखेंगे बहुत दूर, वो आपको होटल लाइट चमकती हुई दिख रही है, वो बुर्ज खलीफा की लाइट है। वो ऊपर बड़ा सा टावर जो दिख रहा है वो सामने, जो मैं पिन पॉइंट करके दिखा रहा हूँ आपको। अभी रात का टाइम था तो ऑलमोस्ट सारे ये कियोस्क जो होते हैं, जो लगाते हैं अम्ब्रेला बैठते हैं फॉरनर, तो बंद कर दिए हैं। उसके बाद भी आप अगर जाके देखेंगे ना तो बाकी भी आपको व्यू पूरा मिलेगा। ये देखिए रेड जो ट्रैक्स बनाए इन्होंने, साइकिलिंग ट्रैक्स हैं डेडिकेटेड, यहाँ पे पूरा देखिए एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग करना, पूरा सब कुछ पूरा जैसे प्लान वे में। उधर देखिए सामने कितने लोग जो स्पोर्ट्स के एंथुजियास्ट हैं वो खेलने अपना आराम से, दुनिया भर के स्पोर्ट्स चल रहे हैं वहाँ पे, वॉलीबॉल चल रही है, टेनिस चल रहा है, आराम से चल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। देखिए साइकिलिंग ट्रैक, और अंदर देखिए गेम स्पोर्ट्स वाले, पूरे ट्रैक के हिसाब से आपको अलग अलग ट्रैक में अलग अलग डेडिकेटेड ट्रैक्स हैं, जहाँ साइकिलिंग खड़ी करनी है ये वॉकिंग ट्रैक्स हैं। ये देखिए पीछे पूरा बीच आपको दिखेगा, ये देखिए सामने, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए वॉकिंग वाले आसपास के लोग मेरे ख्याल से सब आते हैं शाम को वॉक करने यहाँ पे। और लाइट कितनी है, मतलब ये देखिए फर्स्ट क्लास, अपना इंजॉय करिए। रात के टाइम भी देखिए यहाँ पे नज़ारे, क्या सैंड जैसे वाइट सैंड लगता है, इतनी लाइट्स लगाई हैं इन्होंने। जो स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स मैन जो है रहने वाले आसपास के बच्चे यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं यहाँ की लाइफ को, अच्छी जगह है। देखें लाइट, ये देखिए गुड लाइफ कैफ़े है, ये बड़ा फेमस वहाँ का, मतलब खास कर मैंने देखा कई लोग इंस्टाग्राम वाले जो होते हैं खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे, पीछे व्यू इतना प्यारा है। आगे देखिए क्या ट्रीज लाए हैं, क्या लाइटिंग है ट्रीज के ऊपर, ट्रैक कितना लंबा है, दूर तक आप जाइए आपको सब तरफ पूरा वो देखिए सामने बुर्ज अल अरब, इसके क्लोजअप काफ़ी आपको सामने दिखेगा, ये पर्पल कलर की बिल्डिंग जो दिख रही है आपको। मतलब आप चलते जाइए चलते जाइए, ट्रैक आपका पूरा जो है आपका सी बीच के साथ 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 पूरा आपका बुर्ज अल अरब आ जाएगा, उतने आगे तक जाइए। बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे साइन बने बीच के, इंस्ट्रक्शंस बीच में क्या क्या फॉलो करना है, सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, उसके हिसाब से पूरा देखें लाइक बीच है, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखिए कितना नीट एंड क्लीन है, मेरे ख्याल से आपके 10 बजे होंगे समय, और फर्स्ट क्लास देखिए आपने लाइवली। हेलो दोस्तों, उम्मीद आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लगे रहो मेरे साथ, एक से खूबसूरत जगह लेके जाऊँगा ऐसे कैश कराऊंगा।